सहरघाट बाजार स्थित नायक गेट के पास बीती रात एक कपड़ा दुकान के गोदाम में आग लग गई, जिसके कारण लाखों मूल्य का कपड़ा जलकर खाक हो गया। यह आगलगी की घटना शंभू नायक के गोदाम में हुई, जिसमें करीब 1 लाख मूल्य के कपड़ा जलकर खाक हो गया। जानकारी देते हुए पीड़ित कपड़ा व्यवसायी शंभू नायक ने कहा कि हम लोग नीचे थे और ऊपर गोदाम के पास बच्चे अलाव जलाकर आग सेक रहे थे। उसी दौरान आग कपड़ा में पकड़ लिया, जिसके बाद आग की लपटें तेज हो गई। सूचना अग्निशमन को दिया गया। महज 10 मिनट में अग्निशमन वाहन पहुंचकर आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में करने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बहरहाल स्थिति सामान्य है। अग्निशमन कर्मी संजय कुमार ने कहा कि अगलगी घटना को रोकने के लिए लोगों को सतर्क और सावधान रहना होगा। खासकर सर्दी के मौसम में अलाव से घटनाएं घटती है, इसलिए अलाव को घर और आग लगने की चीजों से दूर रखें और सावधान रहें। तो सब न्यूज में आवे के लिए सब अपन फोटो देता हमारा आलो रे ना चलिए आज ये हाजी तेरा पहले मार दे साहब अजीत तेरा पहले मार दे लगता है चलो हमको तजुब लगता है लेकिन लगा कैसे समझ में नहीं आता आपके दुकान गोदाम में कैसे आग लगा दुकान में आग जो है सो क्या कहते हैं बच्चा सब जो है सो अभी खेल रहा था अभी घुरा जा रहा था उसके चलते लगता है लग गया है लेकिन हम लोग तो वैसे नीचे में थे। अच्छा मतलब वहाँ पर अलाव जला रहा था उसके चलते आग लग गया। हाँ उसी के चलते आग लगा। क्या सब नुकसान हुआ है? नुकसान तो वही कपड़े का, हम व्यापारी हैं, कपड़ा नुकसान हुआ है। कितना का नुकसान हुआ होगा? लगभग वही 70-80 हज़ार का। क्या सब जला है? शॉर्ट का थान है, कुछ सूट का पीस है, कुछ धमाका है, वही है। जल गया पूरा? हाँ लगभग जल गया। तो फिर कैसे आग पर काबू पाए? काब पर तो अग्निशामक आए, कुछ ग्रामीणों का सहयोग हुआ, अपना भी मोटर वोटर चला करके उसको काबू पाए। तो अग्निशमन जो वाहन है कितने देर में पहुंची है? वही मोटा मोटी 10 मिनट के अंदर में पहुंचा। तो उसके वजह से पूरा आग पर काबू पा लिया। लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा? 80 हज़ार रुपये का लगभग नुकसान हुआ होगा। 80 हज़ार का। क्या नाम हुआ आपका? शंभू नायक। घर? सहरघाट। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।